أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفس بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرست فهو يشفين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعم الجائع وأود المريض وفك العاني رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيح मोहतरम नाद्र सामीन असलम आलकम वरकूक़र जिस सीरीज़ में आप तमाम का तहदील से इस्तबाल हैं हमारी बात चल रही थी बीमार के हकूक़ के सिलसिले में इस सिलसिले में बीमारी के फ़वाद दुनियावी उखरवी इयादत की अहमियत व फजीलत इसी तरह इयादत के आदाब और पिछले दस में बीमारी से मुतक़ चंद अहम इस्लामी तलीमत आपके सामने बताई गई थी आज का जो अहम मौजू है बीमार के हकूक़ की वजाहत बीमार हम जानते हैं कि माशरे का सोसाइटी का एक कमज़ोर तबका है जो हर हालत में दूसरों की हमदर्दी तसली खैरखारी गम गमखारी और हर मुमकिन जो है ताउन का मोहताज होता है अगर वो मालदार हैं तो दूसरों के जहां मशोरे का मोहताज होता है इसी के साथ साथ मिजाज पुरसी का भी जो है वो मोहताज होता है अगर वो गरीब हैं तो ज़बानी जो है ग़म खारी तसली के साथ साथ माली तान का भी मोहताज होता है बस अवकात बीमार ऐसी बीमारी मुबला होता है अगर वो मालदार हैं तो सही डॉक्टर का जो है इंतखब नहीं कर पाता या अगर डॉक्टर का इंतख भी कर ले वहाँ जा नहीं सकता तो इस तरह जो है हर बीमार किसी ना किसी ताउन का मोहताज होता है तो हर मुसलमान का माशरे में रहने वाले हर फर्द का जो है अखलाकी और दीनी फरीज़ा हैं कि वो बीमारी के सिलसिले में बीमार के तल्ल से जो शरी हदायत हमें दी गई हैं उसकी तैमादारी उसकी मिजाज फुर्सी इसी तरह गम खारी और ताउन के सिलसिले में जो भी हम कर सकते हैं हम अपनी इनफरादी इज्तमाही कोशिश हमें करनी चाहिए इस सिलसिले में बीमार के बहुत सारे हकूक़ जो हैं इस्लाम ने बताए हैं बीमार के लिए सबसे सब उसका सबसे सब बड़ा हक़ यह है कि उसकी इयादत की जाए जब हम किसी के बारे में सुने कि वो बीमार हैं तो जहाँ उसके लिए दुआ करना चाहिए हमें पूरी कोशिश करना चाहिए अल्लाह ने ताकत दी है जा सकते हैं सफ़र करके कभी जाना पड़ता है कभी उसे शहर में है कभी उसके घर या कभी हॉस्पिटल में इतला मिलती हैं अगर वक्त है अल्लाह ने ताकत दी है पूरी कोशिश हमें करनी चाहिए कि उसके पास जाएँ यादत करें अल्लाह के नबी सा ने उसका हुक्म दिया अबू मुसाशरी रदी अल्लाह से जो हदीस मरवी हैं शुरू मैंने पढ़ी सही बखारी में आप सलील आल वसम ने कहा कि भूखे को खाना खिलाओ बीमार की यादत करो और कैदी को जो है रिहा करने की कोशिश करो इसी तरह अबू हरेर रदी अल्लाह तहु से जो हदीस मरवी हैं अब धाऊ आओद दीगर कुतब हदीस में अल्लाह के वसल्लम ने कहा कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर बहुत सारे हकूक़ आपने बताए उसमें बीमार की यादत भी अल्लाह के नबी है बताई और इसी यादत की इसी अहमियत के पेश नज़र देखिए अल्लाह के नबी वम साहबा की यादत करते थे सात बिन माज़ रत जब बीमार हुए ख़ंद के मौके पर खंदक के मौके पर जो है उनको एक तीर लगा था जिससे वो ज़ख्मी हो गए थे तो उस वक्त अल्लाह के नबी सा मस्जिद में एक ख़ीमा उनके लिए मखसूस खास किया था जिसमें अल्लाह के नबी सा बार बार जाकर उनकी यादत किया करते थे इस तरह बहुत सारी जो हैं रिवायतें हैं और औरदत की फजीलत के सिलसिले में शुरू में मैंने शुरू के दरस में बहुत सारी हदीसें बयान की थी ये बहुत बुनियादी जो है एक बहुत बड़ा हक है जब यादत के लिए जाएँ तो बीमार के जो हकूक़ हैं वो ये हैं कि हम उसका हाल दरियाफ़ करें जैद बिनकम रदील्ला तु से जो हदीस मरवी हैं मुस्दरक हाकिम में फरमाते नबी साहब जब मैं बीमार था आँखों में उनको तकलीफ़ थी अल्लाह के नबी ने मेरी यादत की और मेरा हाल चाल जो है दरियाफ़ किया इसी तरह बहुत सारी रिवायतें हमें मिलती हैं अब्दुल्ला बिन मसूद और रदी अल्लाह तन फरमाते सुना नसाई में मौजूद हैं हदीस कि जब मैं एक मरतबा बीमार हुआ अल्लाह के नबी साम मेरे बीमार बीमारी कीदत के लिए आए और अपना हाथ आप ने जो है मेरे जिस्म पर रखा तो ना मैं मैंने महसूस किया आपने महसूस किया कि मैं बीमार हूँ अल्लाह के नबी नबीम ने जो है मेरी हालत दरियाफ़ की इस तरह बहुत सारे रिवायतें जो है हमें मिलती हैं इसी तरह एक हक़ हाँ उसका ये बनता है कि यादत के लिए जब हम जाएँ तो उसको तसली दें जबान से जो है तसली के अल्फाज हम अदा करें क्योंकि बाज़ बीमारियाँ इतनी सख्त होती हैं शदीद होती हैं कि बीमार जो है घबरा जाता है हमें कोशिश करना चाहिए कि उसके पास जाएँ उसको हिम्मत दिलाएँ उसको तसली दें अच्छे जुमले जो है ज़बान से निकालें और उसके लिए दुआ करें अल्लाह के नबी सा से मरवी हैं आप सलील आल वसम जब भी मरीज़ की जियादत के लिए जाते तो आप लाबा सतर इनशा कहते हैं कि कोई डरने की बात नहीं अल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो ये बीमारी जो है तुम्हारी पाकिज की तहारत का ज़रिया बनेगी गुनाहों से जो है तुम्हें पाक कर देगी इस तरह और बहुत सारी जो है रिवायती मरवी हैं इसी तरह बीमार का एक हक़ ये भी है कि अगर उसको दम करना पड़े दम करना चाहिए अल्लाह के नबीसम सेबित है आप जो है दम किया करते थे अब्दुल्ला अब्दुल्ला अब्बास रौतीनुमा से जो हदीस मरवी हैं सिलसिले में अब दाऊद की रवायत कि अल्लाह के नबी वसम जब किसी बीमार की आदत के लिए जाती उसके सराहने बैठते और आप सल्ल्स व्ल्सात मरतबा दुआ पढ़ते और सल्हदीम रबीमश इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वम ने बहुत सारी जो हकूक़ हमें बताए हैं उसमें ये है कि बीमार की खिदमत की जाए बीमार किसी भी खदमत किसी भी तरीके से जो है खिदमत का मोहताज है उसको जो है उठाना बिठाना होता है लिटाना होता है उसको कुछ खिलाना पिलाना वक्त पर दवाई का इंतज़ाम करना दवा की याद दिहानी कराना उसको खिलाना भी पड़ता है और बहुत सारे उसके जो है मसाइल होते हैं वो, वो तमाम जो है उसकी खिदमत का वो मोहताज होता है तो बीमार पुरसी में जो है इस ये वसी उसका मफहम है उसमें कई चीज़ें जो है शामिल होती हैं तो उसको जो है अदा करने की हम पूरी कोशिश कर, करना चाहें हर ताउन जो है उसके लिए पेश करें इसी तरह अल्लाह के नबी सा से ये भी साबित है बीमार के जो हकूक़ बताए गए उसमें यह हैं कि हम उनके लिए दुआ करें बीमार के हक़ हाँ में जो हैं दुआ करें सात बिन अभी वास तशरम बश्रामे से हैं सही बखारी में और दीगर कुतुब हदीस में उनका वाक़ा मशहूर है एक मरतबा बीमार हुए अल्लाह के नक् में मक् मकरमा में थे अल्लाह के नबी सा उनकी यादत के लिए जब गए तो अल्लाह के नबी सा उसमें ये अल्फा मरवी हैं लंबी हदीस है लंबा वाक़ा है उसमें अल्फाज है आख़िर में कि अल्लाह के नबी सासु ने अपने हाथ मेरी पेशानी पर रखा और मेरे चेहरे और बदन पर फेरा और फिर आपने दुआ की अल्लाह मछवी साधन अल्लाह साद को जो है शिफा अता कर और वो कहते हैं कि इसके बाद आज तक जब कभी मुझे इस वाक़े की याद आती है कहते हैं रसुलकरम सल्ला वम ने मेरे जिसम पर जो हाथ रखा था उसकी ठंडक में आज भी जो है महसूस करता हूँ इसी तरह बीमार की इयादत के सिलसिले में जो है और बहुत सारे जो हैं हिदायत जो हमें दिए गए वो ये हैं कि यह हक़ बनता है कि हम उसकी इयादत के लिए जब जाएँ मुनासिब वक्त का इंतब करें मुनासिब वक्त पर जाएँ घर पर जा रहे हैं तो जो मुनासिब वक्त है घर पर मिलने की मुलाकात की उस वक्त जाएँ हॉस्पिटल हैं वहाँ जो है ख़ास अवक़ात होते हैं मिलने के तो उस वक्त का जो है हम ख्याल रखें कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ लोगों लो, लो को तकलीफ़ हो या बीमार को जो है तकलीफ़ हो या घर वालों को या जो भी उसके साथ रहते हैं इस तरह बीमार का भी ख्याल हमें रखना चाहिए उसके घर वालों का और जो निगरान होते हैं सरपरस होते हैं उनका भी जो है पूरा ख्याल हमें रखना चाहिए और ज़्यादा देर वहाँ नहीं बैठना चाहिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ख़ुद आता है सही बुखारी में मौजूद हैं अल्लाह के नबीसम जब मर्दुलमौत में मुबतला थे साहबा कराम की एक जमात जो है यादत के लिए आई थी और वहाँ बहुत देर तक जो है बैठे थे अल्लाह के नबी सासम कुछ गड़बड़ भी हो गई कुछ इख्तलाफ़ होने लगा साहबा के दरमियान तो वहाँ अल्लाह के नबी से सबित है आपने फरमाया को माननी कहाँ कि उठ के चले जाओ अल्लाह के नबी सासम उनको मना किया था इसी तरह जो है बीमारी कितनी ख़तरनाक क्यों हूँ हमें पूरी कोशिश करना चाहिए कि हम अपनी ज़बान से ऐसे अलफाज ना निकालें जो बीमार को मायूस कर दें कभी डॉक्टर भी जो है सुना देता है अपनी रिपोर्ट बता देता है कभी उसमें आ, ये बात लिखी होती है कि अब वो बचने की कोई उम्मीद नहीं यह बीमारी और बढ़ सकती हैं और इजाफा हो सकता है शिफा मिलना बहुत मुश्किल है और कई दिन हफ्ते महीने लग सकते हैं तो वो ऐसे जुमले उसके सामने ना कहें इसमें और बीमारी बढ़ जाएगी उसको घबराहट होगी परेशानी में मुबला होगा हम पूरी कोशिश करें उसको हिम्मत दिलाएं तसल्ली दें कितने बीमारों के बारे हमने सुना देखा मुशाह किया कि तसल्ली देने से क्योंकि मौत तो अपने वक्त पर आके रहेगी चाहे हम कुछ भी कर लें अच्छे अच्छे जुमले भी बोल दें दुआएं करें हर मुमकिन कोशिश करें मौत को आना है तो आएगी लेकिन कुछ बीमारियां ऐसे भी होती हैं कि खा पहले ही हम उसके मर्ज़ में जो हैं मज़ीद इजाफे का हम बास बनते हैं हमारे जुमले हमारे जो है वो बातें जो हम कहते हैं कभी परेशान परेशानी कम से कम होती है बीमार को तो पूरी कोशिश करना चाहिए कि हम उसको हिम्मत दिलाएं तसल्ली की बातें उसके कहना चाहिए और पूरी कोशिश करें कि पूरी कोशिश हम करें कितने बीमारों के बारे में हमने सुना पढ़ा से सुना कि डॉक्टरों ने लिख कर दे दिया तय कर दिया कि अब इसका बचना नामुमकिन नामुमकिन है लेकिन उन्होंने हिम्मत की घर वालों ने तसल्ली दी खुद बीमारों ने जो है हिम्मत की और बाज़ लोगों के बारे में ये भी मर भी हैं किताबों में लिखा है तजुर्बेकार लोगों ने कि उन्होंने मक्का मुकरमा का रुख किया जाके उम्रा किया दुआएँ की जमज़म से जो है उनका अपना इलाज किया अल्लाह ने ऐसी शिफा दी अल्लाह अखबार कि डॉक्टर हैरान और परेशान रह गए कि आखिर कहाँ से आपने इलाज किया इस बीमारी तो शिफा अल्लाह के हाथ में कभी जो है हमारे जुमले अच्छे जुमले तसल्ली के किसी की हिम्मत को बढ़ाते हैं बीमारी कितनी भी हो शदीद कम से कम उसका उसका कुछ बोझ उसका हल्का हो जाता है पर हम पूरी कोशिश हमें इस सिलसिले में करना चाहिए इसी तरह माली तान है माली जो है तान है बस जैसा मैंने कहा वक्ती तौर से जो है जिनको अल्लाह ने आजमाया है दुनिया में माली एतबार से मोहताज होते हैं हम हर मुमकिन कोशिश करें हर मुमकिन जो है इस सिलसिले में हमें कोशिश करना चाहिए कि जो माल अल्लाह ने हमें दिया है हम बीमारों पर ख़र्च करें आज बहुत सारे जो है तंजीमें बनी है, हैं इनफरादी इज्तमाहीहमदिल्ला कोशिशें पहले से भी आज भी हो रही हैं कि कितने बीमारों के सिलसिले में जो है लोग कदम उठा रहे हैं उनके इलाज के जो भी इलाज व मालजे के सिलसिले में जो मा, माली तान हो सकता है अल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस पर काफ़ी उभारा करते थे और आपने अमलन जो है काम किया बीमारों की यादत आपने की उसको जो भी ज़रूरत होती माली ताउन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पूरा किया करते थे इस पर अमल करते हुए आज भी बहुत सारे लोग सिर्फ मुसलमान नहीं गैर मुस्लिम में भी जो है ग़ैर मुसलमानों में भी कई तंजीमें जमाते हैं जो इसमें आगे बढ़ते हैं हमें पूरी कोशिश करना चाहिए जो अल्लाह ने हमें ताकत दी है इनफरादी इज्तमाही और हम कोशिश करें कि डॉक्टरों का जहन भी बनाएँ कि फ्री में कभी जैसे आज अलहमदिल्ला बहुत सारे सेंटर्स हैं बहुत सारी जो है तंज़ीमें हैं जो साल में दो तीन मरतबा या महीने में एक मरतबा फ्री कैंप जो है चलाते हैं आँखों का इलाज किया जाता है उसका मुआयना किया जाता है खून टेस्ट कराया जाता है बहुत सारे जो हैं जो जिसके मोहताज होते हैं लोग उसके लिए कैंप जो है मुकर करते हैं इस तरह होना चाहिए और इसी तरीके से देखिए आखिर में ये बात बताकर अपनी बात को मैं ख़त्म करूँ इयादत ये अखलाकी दिन फरीज़ा हैं इस पर इस्लाम ने काफ़ी जो हैं उभारा हैं और ये सिर्फ अखलाकी और माशरती हक़ हाँ नहीं है कि मुसलमान का एक बीमार का बल्कि अल्लाह रब्लमीन का हुक्म है और ऐसा हुक्म है कि अगर इंसान इसको अदा ना करे ताकत के बावजूद क़ियामत के दिन इस पर मुआज़ा भी होगा होगामत के दिन अल्लाह तला इसके बारे में पूछेगा जैसा कि सही मुस्लिम की रिवायत है हदीस खदूसी लंबी रिवायत जिसमें अल्फाज मरवी हैं जो महल शायद हमारा है अबना आदम अल्लाह ताला फरमाएगा इबन आदम मैं बीमार था तूने मेरी इयादत नहीं की बंदा परेशान होगा ताज्जुब करेगा कहेगा या रब यारऊद कौन तब्लमी अल्लाह तू तो रब्बालमीन है मैं तेरी इयादत कैसे करता तो अल्लाह फरमाएगा अमा अमांल था अन्ना अब्दी फुल मरीदा फ़ल तो कहा तुझे इस बात का इल्म नहीं था कि मेरा फला बंदा बीमार था और तूने उसकी यादत नहीं की अल्लाह ताला फ़रमाएगा अमा अलम था अनना खत्त इंदा क्या तुम तुझे इस बात का इल्म नहीं था अगर तू उसकी यादत करता तो ज़रूर मुझे उसके पास पाता तो सख्त जो है अल्लाह ताला मामला करेंगे मुआखदा करेंगे पूछेंगे बंदे से जो है सवाल होगा ख़ास तौर से यह सवाल होगा कि बीमार की यादत हमने क्यों नहीं की ताकत अल्लाह ने दी थी इल्म हुआ था जा सकते थे उस पर उसके जो हकूक़ हैंदत के सिलसिले में जो भी तान हम कर सकते थे अल्लाह ताला इसके बारे में ज़रूर कल सवाल करेंगे और अगर हम वाकई मुजरिम हैं हम इससे नहीं बच सकते तो इस सिलसिले में जो हकूक़ बताए गए उसका पूरा ख़याल रखना चाहिए और जिसको भी अल्लाह ने ताकत दी है जो भी हकूक़ बताए गए हैं हतमकान इनफ़रादी इज्तमाही कोशिशें हमें करना चाहिए और इस सिलसिले में दुआएं हमें करना चाहिए अमूमी तौर से अपने लिए सबके लिए आखिरी में अल्लाह से दुआ हैं कि अल्लाह ताला जो भी बातें हमने सुनी हैं समझने की अल्लाह तोफ़ीदा फ़रमाएँ और उस पर अमल करने की सादत अल्लाह नसीब फ़रमाएं हर बला हर मुसीबत से अल्लाह हमें आफ़ियत नसीब फरमाएँ जो भी बीमार हैं अल्लाह ताली उन्हें शिफायाजिला दाइम कामिला नसीब फ़रमाएँ आमीन सामीन वमा अलना अलबलामबीन असलमकुम वरम् वबरकू